नमस्ते साथियों, मैं एसएस महादेव ये बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। साथियों, मैं आप लोग के बीच में पिछली हमारा ऑनलाइन रिक्रूटमेंट का संबंध, इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट तीन चार पॉइंट का हम लोग इधर में क्लैरिफाई इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। साथियों, आप लोग को मालूम है अभी पहले रिजल्ट आने के बाद 11 तारीख को रिजल्ट आया है। ये रिजल्ट आने के बाद 15 दिन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने के लिए समय फिक्स किया, मतलब कल 26 मार्च को शाम के अंदर ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद 15 दिन है, मतलब लगभग अप्रैल 15 तारीख को 12 तारीख का पहले कितना लोगों 24/27 से लेके 15 दिन के अंदर कितना लोग अपॉइंटमेंट लेने के लिए रिपोर्ट करेगा, अपॉइंटमेंट तो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट वगैरह देगा। साथ ही कुछ लोग पूछ रहा था कितना लोग वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट किया करके। साथियों, आपको मालूम होगा लगभग 100 में 100% लेने आया हुआ कैंडिडेट का संख्या लगभग 14,000 के आसपास में है। 15-16-17,000 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका होगा। पीएस के जो महासचिव हैं एसएस महादेव सर ने, उन्होंने खुद अपने यूट्यूब पे वीडियो साझे किए हैं, उसी के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। क्लास में देखेंगे कि भारतीय डाक विभाग का जो आप सभी ने फॉर्म फिल किए हुए थे और आप लोगों का बस एक ही इंतजार है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक में जारी करेंगे और सेकेंड मेरिट लिस्ट का इस बार का कट ऑफ कितने रहने वाले हैं। तो सारे चीज़ पे आज की इस क्लास में बात करेंगे और आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बता दें कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो जारी किए थे उनमें कट ऑफ कितने गए हुए थे। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का कट ऑफ आप सब ने देखें कि 99% से 100% के बीच का कट ऑफ रहा, जो कि आप लोग अभी भी जाके देख सकते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट का कट ऑफ कितना गया हुआ है। और इस बार जो आप लोगों का कट ऑफ रहने वाला है इतना तो नहीं रहने, इससे बहुत कम रहने वाला। कैसे, चलिए देखते हैं सारे चीज। देखिए 99% से 100% के बीच जो कट ऑफ रहा, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरते समय अपना गलत मार्क्स दे दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं, और जिनके कारण से वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे ही नहीं, और जिसके कारण से अभी भी सीट बहुत खाली है। यानी कि बात करें तो 35% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए पहुँचे, बाकी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए पहुँचे ही नहीं है। तो ये तो ऑफिशियली है कि जीडीएस के जो महासचिव हैं एसएस महादेव सर ने, उन्होंने खुद अपने यूट्यूब पे वीडियो साझे किए हैं, उसी के माध्यम से मैं बता रहा हूँ आपको। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और 35% और सीट जो इस बार, यानी कि मान के चलिए 60% से प्लस सीट अभी भी खाली हैं। तो वो जो खाली सीट है, उस सेकेंड मेरिट लिस्ट जो जारी करेंगे तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में और सेकेंड मेरिट लिस्ट में जो जारी होंगे, तो 70% जिनके मार्क्स हैं उन सभी बच्चों के लिए खुशखबरी है कि आप लोग निश्चित रहिए 70% से प्लस मार्क्स है तो आप लोगों का चयन होगा। और कैटेगरी वाइज भी देखते हैं कि आप लोग का कितना मार्क्स होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। इस बार यदि आप लोग का सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार है तो यदि EWS है तो आप लोग का 85% से 90% के बीच मार्क्स है तो आप लोग निश्चित रहिए कि आप लोग का चयन होना तय है। और UR जनरल से हैं तो 88% से 94% के बीच मार्क्स है तो आप लोग का पूरी संभावना हो रहा है कि मेरिट में आ जाने का। और OBC से हैं तो 83% से 88% के बीच मार्क्स हैं तो आप लोग का चयन हो जाएगा। SC से हैं तो 80% से 88% के बीच आप लोगों का रहने वाला है। ST से हैं तो 88% से 85% के बीच मार्क्स वाले स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है, मेरिट में आ सकते हैं वो। PWD से हैं तो 68% से 72% के स्टूडेंट को यहाँ पे सेकेंड मेरिट लिस्ट में देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि इससे पहले भी बताएं कि आप लोग का 70% से अधिक मार्क्स है तो आप लोग का पूरी संभावना बन रहा है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में आने की। और आप लोग का सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक में आएंगे, जैसा कि आप लोग को पता होनी चाहिए कि आज जो 26 मार्च है और आज डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का लास्ट डेट है आज, और
फर्स्ट मेरिट लिस्ट का काम होने के बाद जैसे ही आज का कंप्लीट होता है तो आप लोगों का सेकेंड मेरिट लिस्ट का काम पे जोर दिए जाएंगे। और सेकेंड मेरिट लिस्ट की बात करें तो आप लोगों का अप्रैल का फर्स्ट वीक तक में देखने के लिए मिल जाएगा। और जैसे ही आप लोगों का सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होता है तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। या जितने भी GDS के यानी कि ऑफिशियल या कोई भी अपडेट आता है तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। यदि अभी तक आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी सही अपडेट से वंचित ना रह सके। और आज का क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। और कोई भी आप लोगों का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग ऑन है, वहाँ से आप लोग कमेंट करके आप अपना सवाल रख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। के तक को वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद 15 दिन के बाद अपॉइंटमेंट है, इसके बाद और कुछ होगा आगे हम लोग बताएगा, आपके बीच में हम लोग संपर्क बना के रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।